माता जी घर से बाहर निकल कर चली जा रही है। किसी ने कहा कहाँ? बोले मैं जा रही हूँ, वैराग्य हो गया मुझे तो, ज्ञान हो गया, जगत में क्या रखा है इस घर परिवार। तो उस जा रही माता को किसी ने कहा कि माता जी आप जा रही हो इस समय रात्रि के समय, आपको ज्ञान हो गया है तो घर में बैठ करके भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो, बाहर जाकर असुरक्षा परेशानी में खुद फंस जाओगी, क्या रखा है। भक्ति, आधी रात में उठ गए, कीर्तन करने लगे, किसी ने कहा क्या हुआ माता जी? बोले मुझे भक्ति प्राप्त हो गई है, मैं तो भजन ही करूंगा। तो घर वाले कहेंगे कि भक्ति तो प्राप्त हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के साथ विवेक भी तो रखो। इस समय कीर्तन, रात्रि के बीच में, और करना ही है तो शांति से कर लो, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करें। रात के 12 बजे कोई घंटा बजाने लग जाए, कोई शंख बजाने लग जाए, कोई ताली बजाने लग जाए रात को 2 बजे, है तो बहुत अच्छा कार्य, भक्ति का कार्य है, सत्संग का कार्य है, ईश्वर से जुड़ने वाला साधन है। लेकिन किस समय जुड़ना चाहिए, किस समय कितना बोलना चाहिए, कहां पर कैसे करना चाहिए, इसके लिए विवेक की आवश्यकता है।